हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी सेकेंड, जो आपका ओपन इलेक्टिव पेपर है। इसमें कौन से टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करना है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग ना। आपको जब चैनल सपोर्ट कर रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके बाद में आपका पेपर जैसा भी जा रहा है, अगर इस वीडियो में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं तो आई वुड लाइक कि आप एक्नॉलेज भी करें कि हाँ इसमें से टॉपिक्स हमारे लिए आए हैं, तो वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल था या नहीं भी था तो भी बताइए आप। बट आप कमेंट करके ज़रूर इंटरेक्ट करें हमसे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। चलिए, तो अगर पहली यूनिट की हम बात करें तो यहाँ पर हैं फंक्शंस। तो इस यूनिट में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एक तो ये कि आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए, उसका प्रोटोटाइप क्या होता है, ये फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। ठीक, तो अगर आपने एक भले सिर्फ सिंपल सा सम करवाने का भी फंक्शन बना के देखा तो फंक्शन कैसे काम कर रहा है विदाउट आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट, दोनों करवा के देखें। और यदि आपको क्लास के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप हमारी वीडियोस में एक बार चेक कर सकते हैं। फंक्शन का जो कंसेप्ट होता है सी और सी प्लस प्लस में कंसेप्ट सेम होता है, ठीक है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देखें। उसके बाद जब हम दूसरी यूनिट पर आ जाएं, तो इस यूनिट पर हैं आपके पास पॉइंटर्स। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और किसी भी वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर और पॉइंटर ऑफ अरे, ये जो हैं ये आपको इतना तो करना ही है। इससे आप काफ़ी हद तक इस यूनिट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट में यदि आ जाएं हम तो सी प्रोसेसर के फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ ले। उसके बाद में है फाइल इंक्लूजन, और ये जो आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बताई होंगी, कंडीशनल डायरेक्टिव्स जो हैं इफ़ एलिफ, इनकी आपको एटलीस्ट डेफिनेशन आना चाहिए कि ये काम क्या करती है ये वाली डायरेक्टिव, ठीक है। और एक है आपका मैक्रो एक्सपांशन, ये अगर आपने कर लिया तो कंप्लीट यूनिट हो गई आपकी। मैक्रो एक्सपांशन क्या होता है कि जहाँ पर भी आपने वो मैक्रो का नाम लिखा तो प्री प्रोसेसिंग के टाइम पर ही उसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे अगर पाई यूज़ कर रहे हो आप, पाई इक्वल्स टू 3.14, उसको अगर मैक्रो डिफाइन किया तो आपने जहाँ भी पाई लिखा होगा उस जगह 3.14 प्री प्रोसेसिंग के टाइम पर ही आ जाएगा। तो काफ़ी ईजी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारी चौथी यूनिट, इसमें आ गया आपका फाइल हैंडलिंग पूरा। तो फाइल पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, फ़ाइल के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये जो एफ़ ओपन, एफ़ क्लोज, एफ़ रीड, एफ़ राइट, ये चार फंक्शंस जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको फाइल हैंडलिंग से जब भी कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो अगर आपने ये चार फंक्शंस उसमें इंक्लूड कर दिए अपने आंसर में तो आपका आंसर स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करना है, पढ़ना तो पूरा है आपको, ठीक है। तो पुट सी, गेट सी भी आप लिख लें, एफ पुट एस, ये जो फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं इनका आपको सिंटैक्स और डेफिनेशन। सिंटैक्स का मतलब होता है कि ये फंक्शन कितनी आर्ग्यूमेंट लेता है, हो सकता है कि पहले फाइल का नाम लेता हो, उसके बाद कॉमा लगा के कोई नंबर लेता हो, वो नंबर लाइन नंबर या कैरेक्टर नंबर हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा देखें एक बार। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइल के टाइप्स, फ़ाइल पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो, और फाइल के जो फंक्शंस हमने बात की ये सारे, ठीक है। कम से कम आपको 7 फंक्शंस पढ़ना है बेटा,
मिनिमम 7 फंक्शंस, उनके सिंटैक्स भी और उनके डेफिनेशन भी, जिसमें से चार जो आपको कंपलसरी हैं वो हैं एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ रीड और एफ राइट। अगर इतना कर लिया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके कहोगे कि मैडम हमारा पेपर अच्छा गया है। चलिए आ जाते हैं हम अपनी पांचवी यूनिट में। पांचवी यूनिट में आपके पास है ग्राफिक्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका ग्राफिक्स ड्राइवर क्या होता है, ठीक है, स्टाइलिश लाइंस, लाइन कितने टाइप की है वो, और पैटर्न विथ डिफरेंसेस, पैलेट्स एंड कलर, ये पता होना चाहिए। ए सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई व्हाट इज़ पैलेट, टेक्स्ट कैसे आउटपुट करना है, जस्टिफाई कैसे करना है। तो आप कम से कम एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपका ग्राफिक्स का हो, जिसमें आपने सर्कल या रेक्टेंगल बनाया हो और उसको फिल भी किया, उस छोटे से प्रोग्राम में जितने फंक्शन यूज़ हुए हैं, भले ही वो चार फंक्शन हो या पांच, वो आपको समझना है, उसके डेफिनेशन लिखनी है, ग्राफिक्स ड्राइवर क्या होता है, ग्राफिक्स मोड क्या होता है। अगर सिर्फ इतना भी कर लिया आपने तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और ग्राफिक्स की डेफिनेशन भी कि ग्राफिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आई विश कि आप सबके पेपर बहुत अच्छे जाएं, और इसके लिए आप थोड़े समय मन लगा के पढ़ना है आपको। तो ये जो टॉपिक्स हम कह रहे हैं इनको स्किप नहीं करना, बट इट नेवर मीन्स कि सिर्फ यही पढ़ना है, पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए। और आप अपना कमेंट ज़रूर यहाँ पर शेयर करें पेपर देने के बाद कि आपका पेपर कैसा गया, या इन जनरल पेपर कैसा था, उसमें कौन से क्वेश्चंस आए थे, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। वी वुड अप्रिशिएट दैट। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, एक बार चेक कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लो, और कर रखा है तो दैट्स वेरी गुड। शेयर ज़रूर करें दोस्तों से। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।